दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का है, यानी दोस्तों जिसको हिंदी में पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। और दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 20 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको हर बार पूछे जाने की संभावना रहती है और कई प्रश्नों को तो हर बार पूछा भी जा चुका है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी मेरा मेहनत सफल हो पाएगा और तभी आप लोग भी परीक्षा में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि आप अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए इसका, तो इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री में कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तब तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों प्रश्नों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और प्रश्न है पहला, प्लांट डिजीज किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्लांट डिजीज जो किताब है इसके लेखक आर एस सिंह हैं। कौन? तो आर एस सिंह क्या हैं, ये प्लांट डिजीज नामक किताब के लेखक हैं। और नेक्स्ट है, भारत में पादप रोग विज्ञान के पिता कौन हैं? तो दोस्तों फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, तो दोस्तों ये इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? तो ये आपके ईजे बटलर हैं। कौन? ईजे बटलर भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता हैं। दोस्तों मैं आपको रट्टा मरवा करके एक ही बार में इन सभी प्रश्नों को दिमाग में घुसा दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और नेक्स्ट है, कवक विज्ञान के पिता कौन है? तो दोस्तों कवक विज्ञान के पिता कौन है? तो पी ए माइकेली, ठीक है, पी ए माइकेली क्या है, कवक विज्ञान के पिता हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है, रोग त्रिकोण कारक कौन नहीं है? तो दोस्तों जो डिजीज ट्रेंगल होता है उसका कौन सा कारक नहीं है? तो जो रोग होता है ये रोग त्रिकोण का कारक नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, जीवाणु में किस प्रकार के जनन होता है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है जीवाणु में किस प्रकार के जनन होता है, तो द्विअंशी विभाजन के द्वारा जीवाणुओं में जनन होता है। किसके द्वारा? द्विअंशी विभाजन के द्वारा। और नेक्स्ट है, तंबाकू मोजेक वायरस का खोज किसने किया, यानी टीएमवी का खोज किसने किया था? दोस्तों तो इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक जो कि फर्स्ट टाइम वायरस को देखा था, उसी ने तंबाकू मोजेक वायरस यानी टीएमवी को खोजा था। और नेक्स्ट है, भारतीय धान्य फसलों के गेरुई रोग के रोग चक्र को किसने खोजा था? तो दोस्तों जो भारतीय धान्य फसल है यानी सीरियल क्रॉप्स हैं, उनमें जो गेरुई यानी जो स्मट रोग होता है, स्मट इसको इंग्लिश में स्मट कहा जाता है, हिंदी में गेरुई कहा जाता है, उस रोग के रोग चक्र का खोज किसने किया? तो डॉक्टर केसी मेहता नामक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय धान्य फसलों में रोग चक्र का खोज किया था। और नेक्स्ट है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों इंडियन फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी दोनों एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों 1948 ईस्वी में हुआ था। कब? तो सन 1948 ईस्वी में हुआ था, आज़ादी की एक साल बाद हुआ था। और नेक्स्ट है, प्लांट पैथोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोई भी शब्द हो जिसके लास्ट में जी वाई लगा हो, जैसे प्लांट पैथोलॉजी, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, तो जिस भी शब्द होते हैं उसके लास्ट में जी वाई लगा होता है, तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। सो प्लांट पैथोलॉजी भी आपका ग्रीक भाषा के ही शब्द है, ठीक है। और इसको पहचानने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, किसी भी शब्द होता है उसके लास्ट में जी वाई लगा हो तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। वहीं कल्चर लगा हो तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, तो ये सब लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है, आलू के पछेती झुलसा किस प्रकार के रोग हैं? तो दोस्तों जो आलू के पछेती झुलसा नामक रोग है, ये पेंडेमिक है, यानी ये सर्वव्यापी रोग है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक रोग है, ये सर्वव्यापी रोग है, पेंडेमिक है ये। और नेक्स्ट है, कवकों का कौन सा उप विभाग क्लैंप बंधन बनाते हैं? तो दोस्तों कवकों का जो ये बेसिडियो माइकोटीना नामक जो उप विभाग होता है, ये क्लैंप बंधन बनाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका नाम
बेसिडियो माइकोटिना, ठीक है, ये जो होते हैं ये क्लैंप बंधन बनाते हैं। और नेक्स्ट है गेहूं का करनाल बंट रोग का कारक क्या है, यानी दोस्तों करनाल बंट रोग को गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है। और करनाल बंट का कारक क्या होता है, काउजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो टिटेलिया इंडिका नामक जो इसका रोग कारक होता है इसके कारण गेहूं में करनाल बंट नामक बीमारी लगती है। और नेक्स्ट है स्टाइग्रा कैसी परजीवी है, तो दोस्तों स्टाइग्रा जो होती है ये अर्ध जड़ परजीवी होती है। कैसा, अर्ध जड़ परजीवी होता है, ठीक है, यानी सेमी रूट पैरासाइट। और नेक्स्ट है पेनिसिलिन का खोज कब किया गया, तो दोस्तों जो पेनिसिलिन का खोज है वो सन 1928 ईस्वी में किया गया था। कब, तो सन 1928 में पेनिसिलिन का खोज किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न भी आपका पेनिसिलिन से ही रिलेटेड है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका गेहूं का शलद्कंड, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पेनिसिलिन का खोज किसने किया, ठीक है, पेनिसिलिन किसने किया था, यहाँ पे गलत तो गलत हो गया है लेकिन यहाँ पे आपको याद करना होगा पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था सन 1928 ईस्वी में, ठीक है। तो अगर इससे आपके प्रश्न आए जैसे पेनिसिलिन से रिलेटेड, तो कब खोजा गया, तो 1928 ईस्वी में, और किसने खोजा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। और नेक्स्ट है गेहूं का शलद्कंड किस प्रकार के रोग है, तो दोस्तों जो गेहूं का जो लूज स्मट बीमारी होता है ये किस प्रकार के रोग होता है, तो ये बीज जनित रोग होता है, यानी इसके जो रोग कारक होते हैं गेहूं के लूज स्मट के, ये बीज में ही जीवित रहते हैं, और जैसे ही आप अपने बीज को खेत में लगाते हैं, बोते हैं, सोइंग करते हैं, तो ये जो रोग है फिर से पनपना शुरू कर देता है और आपके गेहूं के फसल को बर्बाद करने लग जाता है। और नेक्स्ट है फाइटोफथोरा किससे संबंधित है, तो दोस्तों जो फाइटोफथोरा है ये उमाइसिटीज से संबंधित है। और इस प्रश्न को दोस्तों कई एक बार पूछा गया है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न है फाइटोफथोरा किससे संबंधित है, तो ये उमाइसिटीज से संबंधित है। दोस्तों आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और आपको इसी तरह के लगातार कंटेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्री मस्ती को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आयरलैंड महामारी का कारण क्या था, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आयरलैंड में एक बहुत ही खतरनाक महामारी भूखमरी छा गई थी, उसका रीज़न क्या था, तो उसका रीज़न था आलू के पछेती झुलसा रोग। क्योंकि दोस्तों ऐसा हुआ था एक टाइम में आयरलैंड में आलू के, क्योंकि आयरलैंड में आलू बहुत ज़्यादा फसल उगाई जाती है, और वहाँ पर क्या हुआ कि आलू के जितने भी फसल लगाए गए उनमें सभी में पछेती झुलसा रोग काफ़ी विकराल रूप से लग गया, जिसके कारण वहाँ के सभी आलू का फसल बर्बाद हो गया और वहाँ पे महामारी आ गई, ठीक है। और आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि जो आयरलैंड का महामारी था उसका कारण क्या था, तो आलू का पछेती झुलसा रोग ही उस महामारी का कारण था, यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। और नेक्स्ट है तंतुओं के जाल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों तंतुओं के जाल को माइसिलियम कहते हैं, क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको आयरलैंड वाला महामारी के बारे में बताया, और आपको इस रिलेटेड एक और प्रश्न है कि आलू का जो पछेती झुलसा रोग होता है वो किसके कारण लगता है, तो वो दोस्तों लगता है आपको फाइटोफथोरा इन्फेंट्स के कारण लगता है। किसके कारण लगता है आलू के पछेती झुलसा रोग, वो भी प्लांट पैथोलॉजी का ही प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आलू होता है उसमें पछेती झुलसा रोग, तो फाइटोफथोरा इन्फेंट्स के कारण लगता है। और वहीं आलू का अगेती झुलसा रोग किसके कारण लगता है, तो वो अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण लगता है, ठीक है। अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण अगेती और फाइटोफथोरा इन्फेंट्स के कारण पछेती झुलसा रोग आलू में लगता है। और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग, कवकों का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो दोस्तों जो कवक होते हैं उसका जो कोशिका भित्ति शेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, तो वो आपका काइटिन का बना होता है। किसका, काइटिन का बना होता है। क्या बना होता है दोस्तों, तो कवकों का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।